कि 5 मिनट 5 मिनट में अस्थिकरण करो ये जी। खाइए आपने चिता मिर्ची जैसे मतलब दीजिएगा अभी हा? अभी दीजिएगा मास्क खा लेते हैं अभी खा जाएंगे। नमस्कार मेरा नाम है धीरेंद्र और लगातार अघोरी ओगड़नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके वीडियो लगातार लेके आता रहता हूँ और अभी मैं मौजूद हूँ बंगाल के तारापीठ में। ये शमशान है मेरे पीछे और शमशान में ही महाराज जी बैठे हैं, अघोरी बाबा हैं, तो इनसे जानते हैं आज की जो क्रिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अभी उनका जो काम किया है किसका काम किस तरह से होता है और क्या क्या काम करते हैं महाराज जी। महाराज जी जय महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? सरनाथ अगर पीर। कितना समय हो गया गोरपंथ में आए हुए महाराज? 15 साल। 15 साल से। अच्छा वैसे आप मूल निवासी कहाँ के? मेरा घर। हाँ हाँ, कहाँ रहते हो? बैरकपुर में। अच्छा महाराज एक चीज़ बताइए, ऐसा कहा जाता है जो अघोरी होते हैं शमशान में क्रियाएं करते हैं और जलती हुई चिताओं में से जैसे मांस मदरा वगैरह निकाल के खा लेते हैं, क्या ये सत्य है महाराज? एकदम सत्य है। आप खाते हैं? जी। खाइए आपने चिता में से जैसे मतलब दीजिएगा अभी हा? अभी दीजिएगा मांस खा लेते हैं। अभी खा जाएंगे चिता में से निकाल के? क्या है तब भी तो हम लोग अघोरी है। अच्छा अघोरी मतलब ऐसा ही होता है कि जो मांस खाते हैं चिता से निकाल के। अच्छा अरे एक चीज बताइए, जैसे भूत प्रेतों को जो पकड़ने की क्रिया है पूरी करते हैं, क्या सत्य में भूत होते हैं महाराज? सचमुच होते हैं। दिखते भूत तो एक किसी को? भूत एक आत्मा होता है। हम जो बात करते हैं आत्मा अपना आत्मा है इसलिए बात करते हैं। अगर हम गुजर जाएगा तो मेरा आत्मा निकल जाएगा। जो आग गले में फंस डाल के जो मरते हैं उसके आत्मा को शांति नहीं मिलता है, वही आत्मा होता है भूत। अच्छा अरे एक चीज बताइए, अघोरियों को तांत्रिकों को क्यों देखते हैं ये भूत? बाकी के नॉर्मल जिंदगी में जो जीते हैं लोग उनको क्यों नहीं दिखाई देते हैं? नॉर्मल लोग साधक नहीं होते हैं, ये लोग चर्चा अघोरी को होता है ना, इसलिए अघोरी लोग देखते हैं। ऐसी क्या शक्ति है जो अघोरियों को ही देखते हैं? अगर मान के चलो साइंस के, अगर आज के दौर में चलेंगे साइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये कहा जाता है जो चीज़ दिखती है वो सत्य है, बाकी का कुछ नहीं है। और अघोरी बोलते हैं कि भूत होते हैं लेकिन देखते नहीं है, तो ऐसे किसे सत्य मान लेंगे इस चीज़ को? सत्य मानना पड़ेगा क्योंकि अघोरी लोग का एक साधक है, वो लोग ही देख सकते हैं भूत है या नहीं है। जो लोगों का भूत प्रेत में पकड़ा होता है वो तो अघोरी लोग कई तंत्र लोग छोड़ाता है। कैसे छोड़ाता है ये तो सोचना चाहिए, भूत है इसलिए ना लोगों को पकड़ता है। नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान के चलो किसी के ऊपर अघोरी बोल दे के बने इसके ऊपर भूत है लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हो, वो तो दिख नहीं रहा है नॉर्मल इंसान को, तो कैसे अंदाज लगाएगा कि इसके ऊपर है? ऊपर भूत है वो नॉर्मल नहीं रहता है। अच्छा वो तांडव करता है, किसी तरह किसी भी चीज को फेल दे फेंक देगा, हंसता रहता है अपना मन से, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा तो उसको पकड़ लेते हैं अघोरी? हाँ हम लोग पकड़ लेने देते हैं, उसको शरीर से निकाल देते हैं। अच्छा वो तो फिर किसी पे भी अटैक कर देगा अगर उसके शरीर नहीं चल जाएगा, वो जहाँ जाना का जहाँ से आए हैं वही चल जाएगा। अच्छा कहे कि उसको जैसे धरिए कि आपको पकड़े हैं उसी से बात बुलाएंगे, कहाँ से आए हैं वही चला जाना चाहिए। अच्छा तो वो ऐसा ही होता है, उसको 3 शक्ति उगलाते हैं उसके बाद उसको ऐसा कोई चीज नहीं है। हम लोग तो अभी तो किसी को डंडा नहीं मारे हैं, हम लोग का मंत्र ही काफी है। अच्छा मंत्र से ही पकड़ लेते हैं, कितना भी पुराना हो कहीं से भी कोई भी सही हो, जिंद वगैरह भी पकड़ लेते हैं, मेरे लिए सब कुछ। अच्छा कितने टाइम में पकड़ लेते हैं महाराज ये चीज बताइए? वो देखना चाहिए कि वो कितना दिन तक उसके शरीर में है। अच्छा ठीक है, मान के चलो किसी के पास किसी के ऊपर ना 2-4 साल से 10 साल से है तो उसे पकड़ने के लिए कितना टाइम? 10 साल से हो चाहे कोई भाई चाहिए, घंटा भर में 2-3 घंटा में वो चल जाएगा। अच्छा हमेशा के लिए सही हो जाएगा एकदम? अच्छा तो ठीक है महाराज ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि वशीकरण आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग करवाना चाहते हैं, करते भी हैं, तो क्या सत्य में होता है महाराज? होता तो है, हम लोग का भाषा में वशीकरण का आकर्षण तंत्र बोलता है बोला जाता है, ठीक है ये तो जरूर होता है। तो लेकिन हो जाता मतलब महाराज लोगों को जो कहना है कि 5 मिनट 5 मिनट में वशीकरण करो ये असंभव है। अच्छा इसका कई टाइम लगता है, इसके टाइम के अंदर आपको वशीकरण किया जाएगा। अच्छा हो जाएगा। हाँ कितना टाइम होगा? मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा महाराज, जैसे वशीकरण में क्या होता है कि लोग एक बंदा यहाँ पे एक यूपी में दूसरा बिहार में इतनी दूर हो जाता है, वशीकरण का मतलब है आप अपना मन मुझे दे दिया है, मैं जो बताऊँगा वही आपको करना होगा, यही उसको वशीकरण कहते हैं। अपने बस में चलने का बात है वशीकरण। अच्छा
मतलब हो जाता है ये एकदम। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि भूत प्रेत वगैरह किसी भी तरह की समस्या हो, महाराज जी से आके मिलिए, तारापीठ में मिलिए, महाराज जी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कभी भी अगर आते। तो ऐसी वीडियो में लगातार लेकर आता रहूँगा। महाराज जी के जो विचार हैं वो कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके। इस तरह की परेशानी होगी तो महाराज जी से अपना कॉन्टैक्ट करके और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।